प्रेजेंटिंग बाय शिवम स्टूडियो। गुरु के बिना कोई काम नहीं आएगा। जितने भी संबंध है वो संबंध सब यहीं के यहीं रहने वाले हैं। भोलेनाथ के चरणों में तो सिर्फ गुरु ही ले जा सकता है और कोई तत्व बाबा के चरणों में ले जाने में समर्थ नहीं है। इसलिए तो साहिब कबीर कहते हैं गुरु बिना कोई काम नहीं आवे। आज गुरु सतलोक पहुंचावे है, गुरु बिना न कोई काम नहीं आवे।
जब तक जवानी का जोर है तब तक सब साथ है, बाकी कहीं लारे नहीं है। बिल्कुल सत्य, ये तो भूल खा रही है। लिखा है उम्र भर यूं ही भूल करता रहा है गालिब, उम्र भर यूं ही भूल करता रहा है गालिब, धूल तो चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। धूलो तो मुनाफर जमीनों ने कहा सोचो कि तो आगे उम्र के धूलो ने कहा पर देखा है, यही तो भूल खा गई है। इसी भूल, ये भूल भूलने का तमाशा है क्यों साहब? इसीलिए तो कहा है कि अंत समय में मुकड़ो मोरियो नहीं आवे। अरे सत्य लोग पहुंचावे, दादा बिना रे कोई काम नहीं आवे। अरे सत्य लोग पहुंचावे, गुरु बिना न कोई काम नहीं आवे। हरे रात सुकून मन सपनों में आयो माने गुरु जी दिया बस जावे। कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी 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 ने महल बनावे। अरे कोड़ी कोड़ी माया रे जोड़ी जोड़ी ने महल बनावे। अंत समय मैंने बाजार गाड़ियो, अंत समय मैंने बाजार गाड़ियो, गाड़ियो 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 कितने भी महल बना लो, कितने भी ऊंचे, लेकिन अंत समय में ने तो कोई आप ला रहे माया 2000 री गड्डी, 2000 री गड्डी वे नहीं 2 लाख री बा गड्डी आप रे हरण नहीं मिले ला कोई मानवटे तो 1 रुपया मिले आप रे थे कदा मिलता वे तो भगवान दाने मानवटे तो 1 रुपया मिले 1 रुपया मिले मुंडा में ने एक पल्ले बांधे से बटे रैंबा खजूर रे बटे इन बातों फेंकी दे। और बहुत सुंदर लिखा था कि बंदे मंजिल तो तेरी यही थी, शमशान घाट पे लिखा था विनायक जी। अरे मंजिल तो तेरी यही थी, बस उम्र गुजर गई आते आते। ए बंदे क्या पाया इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। जय हो। देखिएगा बाबजी, बाबजी बाबजी, ये बिल्कुल शाश्वत है कि शिव की भक्ति जिसको मिलेगी ना उसको मोक्ष मिलेगा। और भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ में अर्थ धर्म काम और मोक्ष ही तो है, लेकिन किसी ने लिखा, बिल्कुल सब्जेक्ट और विषय को छूते हुए बात कर रहा हूं, कि लोग कहते हैं कि रिश्तेदार आज हमारा प्यारा मर गया, लोग कहते हैं कि रिश्तेदार हमारा प्यारा मर गया और मरा नहीं वो था मुसाफिर आज अपने घर गया। ये जीवन की सच्चाई है, साथ में जाने वाला कुछ है नहीं। ऐश के सामान सारे यो धरे रह जाएंगे, ऐश के सामान सारे यो धरे रह जाएंगे और यार मेरी लाश पे रोते खड़े रह जाएंगे। मेरी अपनी ही नहीं सबकी हकीकत है यही कि बादशाहों की बुलंदी के किले ढह जाएंगे
और जिनकी शोहरत का जहां में शोर है चारों तरफ, उनके ताजों में हीरे पड़े रह जाएंगे और ये मालो जरगर महल कुछ भी साथ जाएगा नहीं। ताक में रखे तेरे सोने के कड़े भी रह जाएंगे और मनुज तन पाकर भी गलेश्वर महादेव का नाम ध्याया नहीं तो पार लगने के तेरे सपने धरे रह जाएंगे, तेरे सपने धरे रह जाएंगे। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दो बात को हमेशा दिमाग में बिठा लेना, एक तो परमात्मा महादेव है, बस ये बात धारण कर लो। दूसरा, मुझे मरना है, ये भी बात ध्यान कर लेना। रिमेंबर ऑलवेज गॉड एंड डेथ इंटरनल एलिमेंट, रिमेंबर ऑलवेज गॉड एंड डेथ इंटरनल एलिमेंट। ये दो बात शाश्वत सत्य है, मुझे मरना है और परमात्मा सत्य है। इसीलिए तो कहा, अरे कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी जोड़ी ने महल बनावे, बहुत जतन कर सुतनी जपाले लाड़ा ले कलड़ावे, अरे बहुत जतन कर सुतनी जपावे लाड़ा ले कलड़ावे। हाजी अरे तन की तकड़ी टूट गई रे जबा, तन की तकड़ी वो टूट गई रे जबा, गुरु सतलोक पहुंचावे कुली अभिमान मिटावे मारा साईबा। हो जी लोग कुटुंब परिवार धोखे जीव बंधावे। हाँ अरे झूठा लोग कुटुंब परिवार धोखे जीव बंधावे। हाँ जी कहे कबीर सुनो भाई जादो, बने कबीर सुनो भाई जादो, वो जादो और फिर साधो। साहेब कबीर कह रहे हैं कि पहले तो सुनो फिर साधना करो, जिस तरह से मैंने साधा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो,
Oh, 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 oh